हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? वेलकम टू एक्सलेंस एजुकेशन एंड वी आर हियर टू प्रोवाइड यू बेटर लर्निंग। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। हमने एपी देखा, एपी क्या होता है, एपी का एंथ टर्म का फॉर्मूला देखा। अब हमें क्या देखना है ना, एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें देखना है। तो हमने यहाँ पे कोई भी जनरल एपी लिया है जिसका फर्स्ट टर्म है ए एंड कॉमन डिफरेंस है डी, ठीक है। देन सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स जिसको हम एस एन से डिनोट करते हैं उसको हम कैसे लिखेंगे, एस एन इज इक्वल एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एक काय का फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे है? तो एस एन इज इक्वल एन बाय टू। अब यहाँ पे 2a लिखा हुआ है तो 2a को हम a प्लस ए कह सकते हैं प्लस n माइनस वन डी। और हमने जनरल टर्म nth टर्म देखा था, क्या था वो, a प्लस n माइनस वन डी था। तो हम क्या लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल एन बाय टू ए प्लस ए एन, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और हम क्या करते हैं ना, ए एन को एल भी लिखते हैं, तो ऐसे भी कह सकते हो एस एन इज इक्वल एन बाय टू ए प्लस एल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है ना, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है। अब ये देखते हैं ये आया कैसा है, दैट मीन्स इसका डेरिवेशन, ठीक है, ये कैसे आया। तो हमारे पास क्या है ना, एक जनरल एपी है, ठीक है। जनरल एपी है ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ठीक है, ए प्लस थ्री डी अप टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक एपी है। हमें क्या करना है ना, सम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड प्लस फोर अप टू प्लस एंथ टर्म, ठीक है। तो इसको अपन कैसे डिनोट कर रहे हैं ना, एस एन से डिनोट कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से यही एपी लिख रहे हैं बट इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। फिर से एपी लिखेंगे बट इन रिवर्स ऑर्डर। तो अब यार अपन इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो भी सम तो वही आएगा ना, सम तो चेंज होने से रहा, ठीक है। जैसे अगर मैं सम कर रही हूं 4 प्लस 5 प्लस 6 या मैं सम कर रही हूं 6 प्लस 5 प्लस 4, बात बराबर है चाहे हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया उसको। तो यहां पे अपन लिखेंगे तो ऐसे नहीं, बट हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो एपी था उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस एन माइनस वन डी, यही होगा, ठीक है। फिर प्लस, यार इससे पहले वाला टर्म, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस टू डी। जब ये n माइनस वन था तो इससे पहले वाला n माइनस टू होगा ना, ठीक है। फिर एज इट इज क्या होगा, a प्लस एन माइनस थ्री डी, यही होगा। और ऐसे चलते चलते हम कहाँ पहुंच जाएंगे ना, फिर से a पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। हमने उल्टा लिखना स्टार्ट किया तो हमने पहले, सबसे पहले ये वाली टर्म यहां लिखी, फिर उसके बाद वाली, फिर ये, और ऐसे चलते चलते फिर से कहाँ पहुंच गए ना, हमारी फर्स्ट टर्म पे पहुंच गए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे दो तरीके से लिख लिया। नाउ वी हैव टू ऐड बोथ दिस, हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इनको ऐड कर रहे हैं। तो एस एन प्लस एस एन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, टू टाइम्स ऑफ एस एन, यही हो जाएगा। एस एन प्लस एस एन क्या हो जाएगा ना, टू टाइम्स ऑफ एस एन हो जाएगा। अब यहां देखो, जब अपन प्लस कर रहे हैं तो हम इस वाले में इसको प्लस कर रहे हैं, तो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। इसमें ये वाली जो हमने पूरी सीरीज लिखी हुई थी, इस सीरीज का पहला टर्म और ये जो पूरा सीरीज लिखा हुआ है, इस सीरीज का पहला टर्म हमने एक साथ ले लिया, तो इसको एक साथ लिखना है, ठीक। फिर प्लस सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म है ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू डी, ये हमारे पास हो गया, ठीक है।
फिर प्लस थर्ड थर्ड, तो ए प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री डी, ये हमारे पास हो गया। ऐसे अप टू कहां तक चलेगा, ये पूरा प्लस होगा ए प्लस एन माइनस वन डी प्लस ए, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है इसको, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो टू टाइम्स ऑफ एस एन, अब यहां देखो यार ए प्लस ए कितना हो जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यही हमें मिलेगा। फिर प्लस यहां पे ए प्लस ए, तो क्या हो जाएगा अगेन टू ए प्लस, यार डी कॉमन ले लो इसमें से, तो जब अपन यहां पे डी कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा वहां पे, वन प्लस एन माइनस टू, यही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा ये फिर से एन माइनस वन हो जाएगा, तो टू ए प्लस एन माइनस वन डी अगेन प्लस ए प्लस ए टू ए, फिर से डी और डी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं ना इसको, सॉरी यहाँ पे टू डी है, सॉरी ठीक है, क्या है ना यहाँ पे टू डी है, ए प्लस टू डी और ए प्लस एन माइनस थ्री डी, तो ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री डी, तो यहाँ पे क्या हो गया ए प्लस ए टू ए, अगेन डी और डी हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा टू प्लस एन माइनस थ्री, कितना हो जाएगा ना एन माइनस वन डी हो जाएगा। अब टू कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक, तो ए प्लस ए कितना हो गया ना टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो अब यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ एस एन, हर चीज देखो तो यार ये हर टर्म क्या है, सेम टर्म है। हम सम कितनों का कर रहे थे, एन टर्म्स का सम कर रहे थे, मतलब ये कितनी टर्म्स होंगी, एन टर्म्स होंगी। तो अगर ये एन टर्म्स होंगी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एन टाइम्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यार ये वही वाली बात हो गई जैसे अगर मुझे प्लस करना है टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, ठीक है, मेरे को टू प्लस करना है कितनी बार, फाइव बार, तो मैं इन सबको प्लस करके लिखूं या मैं ऐसा लिख दूं फाइव टाइम्स इंटू टू, तो भी तो बात बराबर रहेगी ना। तो वैसे हमारे पास क्या है ना, ये सारी टर्म्स कितनी बार है, एन बार है, तो हमने क्या लिख दिया एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सो एस एन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया ना, इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है, क्या बन गया फॉर्मूला, जो अभी अपन ने यहां देखा था एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, या डेरिवेशन इसका बहुत सिंपल है, ठीक है, अगर डेरिवेशन ध्यान में है तो फॉर्मूला अपने आप ध्यान में रहेगा। तो ये था हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। अब हम इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। सो नाउ हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8 3 माइनस टू एंड सो ऑन, ठीक है, ये हमें एपी दिया हुआ है, इसके फर्स्ट 22 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 8, नाउ कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 8 दिस इज माइनस 5, कितने टर्म्स का सम निकालना है 22, सो एन इज इक्वल 22 एंड वी हैव टू फाइंड एस 22, ठीक है। तो अभी अपन ने फॉर्मूला देखा एस एन का, क्या होता है एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, तो यहां पे वैल्यूज पुट कर दो, एन की जगह कितना 22 डिवाइडेड बाय टू टू ए, तो ए इज 18 प्लस 22 माइनस वन एंड डी इज माइनस 5। सो यहाँ पे क्या होगा 22 से 2 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल आउट करेंगे तो 11 16 प्लस 21 इंटू माइनस 5, ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या होगा 11, 16 माइनस 105, तो 11 इंटू 16 माइनस 105 माइनस 89, नाउ 11 इंटू माइनस 89 माइनस 979, सो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, ठीक है, माइनस 979. सो नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय ए एन इक्वल 3 + 2 n, ठीक है, हमें क्या करना है ना, एपी का 24 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, और हमें इस बार पूरी एपी नहीं दिया, एपी का क्या ना nth टर्म, दैट मीन्स जनरल टर्म हमें यहाँ पे क्या है गिवन है. तो यहाँ पे देखो जनरल टर्म क्या है ना, ए एन इज इक्वल 3 + 2 n. तो हम यहाँ क्या करेंगे, जनरल टर्म से फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे एंड लास्ट टर्म. ना व्हाट इज द लास्ट टर्म, 24 टर्म्स का सम निकालना है, दैट मीन्स ए 24 ना. तो अब यहाँ पे देखो n की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं ना, 1 पुट कर रहे हैं. तो a1 कितना आएगा, 5. n की जगह हमने फिर 24 पुट किया, तो n की जगह 24 पुट किया, तो a 24, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा ना, 51, ठीक है, ये हमारे पास a 24 हो गया. अब हमने देखो सम का फॉर्मूला देखा था, सम का फॉर्मूला sn n by 2 2a + an, है ना, दो फॉर्मूले हमने देखे थे, sn इज इक्वल n by 2 2a + n - 1d, सॉरी sn इज इक्वल n by 2 a + an, ये भी हमने देखा था a + an. तो हमें क्या पता है, यहाँ पे n पता है, n कितना है 24 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है. सो s 24 कितना हो जाएगा ना, 24 by 2, a दैट मीन्स a1 फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 5. नाउ an दैट मीन्स a 24. नाउ व्हाट इज a 24, a 24 इज 51, ठीक है. यहाँ पे क्या होगा ना, 12 × 56, तो 12 × 56 = 672. तो ये हमारे पास क्या आया, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा क्या होना, पूरा एपी गिवन हो, और एपी गिवन हो फिर हम उसका सम फाइंड आउट करें. हमें इस तरीके से एक जन किसी भी एपी का जनरल टर्म दे सकते हैं, और हमें बोल सकते हैं कि उस एपी के फर्स्ट 20 टर्म्स या फर्स्ट 30 टर्म्स उनका सम फाइंड आउट करो. तो अपन को इस तरीके से क्या करना है ना, उसका सम फाइंड आउट करना है. अब देखो हमारे पास जो सम का फॉर्मूला था sn, या तो sn इज इक्वल n बाई 2 2a + n - 1d. तो अब हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आ सकते ना, जैसे हमने एक पहला वाला क्वेश्चन किया था, डायरेक्ट एपी दिया हुआ है और उसमें हमने फर्स्ट टर्म देखा कितने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, और कॉमन डिफरेंस हमने वहां से निकाल लिया और डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है. तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन, एक किस तरीके से बन सकता है, जैसे अभी अपन ने किया, एपी नहीं दिया, एपी का जनरल टर्म दिया हमें, और यूजिंग जनरल टर्म हमें क्या फाइंड आउट करना है ना, फर्स्ट कितने भी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. अब हमारे पास और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, यार यहाँ पे है क्या क्या, यहाँ पे ना ये जो पूरा फॉर्मूला है ना वो sn, ठीक है, n, a और d, इसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर डिपेंड है. अब अगर इन तीनों इन चारों में से अगर कोई भी तीन क्वांटिटी क्या है हमारे पास, नॉन क्वांटिटीज है, ठीक है, कोई भी तीन क्वांटिटी नॉन है, तो फोर्थ क्वांटिटी, फोर्थ क्या कर सकते हैं हम, जो अननोन रहेगा, अननोन क्वांटिटी रहेगी, वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना. जैसे अपन ने जनरल टर्म के केस में किया था a + n - 1d, है ना, a n
इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे भी हमने क्या बोला था कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वो चार क्वांटिटी से मिलके बन रहा है, तो कोई भी तीन क्वांटिटी हो तो चौथी क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम एज इट इज, यहाँ पे ये चार से मिलके बन रहा है, कोई भी तीन क्वांटिटी नोन है तो फोर्थ क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर ऐसा हो गया, बहुत से में हमें तीन नहीं होगा, दो हमें नोन क्वांटिटी होगी, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है ना, टू क्वांटिटीज नोन क्वांटिटीज है, ठीक है, दो क्वांटिटी हमें पता है, तो फिर तीसरी क्वांटिटी के लिए कोई ना कोई रिलेशन गिवन होगा हमें, है ना। क्वेश्चन में कोई ना कोई रिलेशन गिवन होगा, उस रिलेशन से हम क्या करेंगे, थर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे, फिर हम फोर्थ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। कुल मिला के हमारे पास फोर क्वांटिटीज है, या तो तीन गिवन रहेगी फोर्थ फाइंड आउट करो, या फिर दो गिवन रहेगी और कोई ना कोई उसके अलावा रिलेशन दे के रखेंगे, तो रिलेशन से हम थर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम जो फोर्थ क्वांटिटी अननोन है वो हम अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। सो नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 140 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स इज 320, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स। हमें एक एपी दिया हुआ है, उस एपी का फर्स्ट 10 टर्म्स का सम 140 दिया हुआ है, फर्स्ट 16 टर्म्स का सम 320 दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, ठीक है। जो भी ये एपी हमारे पास, हमने उस एपी का फर्स्ट टर्म ए कंसिडर किया एंड कॉमन डिफरेंस डी कंसिडर किया, देन उसके बाद हमें क्या बोला है ना, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो यार हमें सम का फॉर्मूला पता है, एस एन कितना होता है, एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है। हमें कितना बोला 10 टर्म्स का, दैट मीन्स एस टेन हमें देखना है, तो कितना होगा ना, 10 बाय 2a प्लस 10 माइनस 1d, यही होगा ना। व्हाट इज s10, सो s10 इज 140, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 140 इज इक्वल 10 बाय 2a प्लस 9d, ठीक है। तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा ना, 28 इज इक्वल 2a प्लस 9d, सो 2a प्लस 9d इज इक्वल 28। कंसिडर दिस एज इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन। एंड हमें फिर से क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, दैट मीन्स एस 16 कितना होगा, 16 बाय 2a प्लस 16 माइनस 1d, यही होगा। नाउ एस 16 इज 320, नाउ 16 बाय 2a प्लस 16 माइनस 1 15d, ठीक है। तो ये हमारे पास 16 से 2 टाइम्स 20, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा ना, 40 इज इक्वल 2a प्लस 15d, दैट मीन्स 2a प्लस 15d इज इक्वल 40। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकेंड है 2a प्लस 15d इज इक्वल 40 एंड 2a प्लस 9d इज इक्वल 28, माइनस माइनस एंड माइनस,
तो यहाँ पे हमें बचेगा 6D और यहाँ पे 12. सो D इज इक्वल टू, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड. तो इक्वेशन फर्स्ट में ही रखते हैं, तो हमें क्या करना है, D की जगह 2 रखना है. तो 9 इंटू 2 18, इधर आएगा माइनस 18, तो 2 से डिवाइड होगा, दैट मीन्स 5. ठीक है, तो A की वैल्यू क्या हो गई ना हमारे पास, 5 हो गई. तो D की वैल्यू 2 आ गई और A की वैल्यू 5 आ गई. अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, m टर्म्स का सम, दैट मीन्स एस एम इज इक्वल m बाय 2 a प्लस m माइनस 1d. m टर्म्स बोला ना, तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला था n को रिप्लेस कर दिया m से. नाउ m बाय 2 a, नाउ व्हाट इज a, a इज 5 प्लस m माइनस 1d, d इज 2. ठीक है, अब यहां पे क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा m, यहां पे क्या बचा 5 प्लस m माइनस 1. तो ये हमारे पास क्या हुआ ना, 5 माइनस 1 दैट इज 4, m का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 4 m. तो ये हमारे पास क्या आया, s m. ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ AP किसके इक्वल आया है, m स्क्वायर प्लस 4m. सो नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 20, 19 1 बाय 3, 18 2 बाय 3 सो ऑन मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 300. ठीक है, हमें क्या बोला है ना, हमें जो एक AP दिया हुआ है, इस AP के कितने नंबर ऑफ टर्म्स लेने हैं ताकि उन सभी का सम कितना बन जाए ना, 300 बन जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, यहाँ इस AP में A कितना है, 20. नाउ D, तो D कितना होगा ना, 19 1 बाय 3 माइनस 20. नाउ इट इज 19 1 बाय 3, सो दिस इज 58 बाय 3 माइनस 20. एलसीएम लेंगे 60 माइनस 58, तो ये हमारे पास आएगा माइनस 2 बाय 3. ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस 2 बाय 3, ए आया है 20. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एन, एन हमें फाइंड आउट करना है, और हमें एसएन दिया हुआ है, एसएन कितना दिया हुआ है, 300, और हमें फाइंड आउट करना है एन. तो हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल एन बाय 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. सो एस एन कितना है ना, 300 एन, फाइंड आउट करना है 2 ए. नाउ व्हाट इज ए, ए इज 20 प्लस एन माइनस 1 डी इज माइनस 2 बाय 3. ठीक है, तो अपन ने जो वैल्यूज हमें पता थी वो हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिए. अब यहाँ देखो 2 क्या है ना, कॉमन आ रहा है. ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो क्या बचेगा फिर, 300 इज इक्वल n, यहाँ पे बचा 20 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1 बाय 3, ये हमारे पास हुआ. और जो 2 कॉमन लिया था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. नाउ 300 इज इक्वल n, यहाँ पे क्या होगा, हम एलसीएम ले लेते हैं, तो आएगा 360 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 900 इज इक्वल 60 प्लस 1 61, तो 61 n माइनस n स्क्वायर. सो दिस इज n स्क्वायर माइनस 61 n प्लस 900 इज इक्वल 0. तो ये हमारे पास क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n, n के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको स्प्लिट करते हैं, तो क्या हमें मिलेगा, n स्क्वायर माइनस 36 n माइनस 25 n
plus 900 is equal 0. Now n, n minus 36 minus 25, n minus 36 equals 0. So n minus 36 into n minus 25 is equal 0. Now n minus 36 equals 0, n minus 25 equals 0. So n is equal 36 and n is equal 25. अब यार हमारे पास जो दोनों वैल्यूज आई है ना n की, वो दोनों वैल्यूज कैसी है? दोनों पॉजिटिव है. अब अगर यहाँ पे ऐसा होता कि एक पॉजिटिव आता एक नेगेटिव आता, तो हमें ये पता है नेगेटिव तो होते ही नहीं है टर्म्स, तो हम उसको हटा देते, नेगलेक्ट कर देते, या फिर कोई एक फ्रैक्शन में आ जाता तो हम उसको हटा देते. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही पॉजिटिव आ रहा है. तो यहाँ देखो हमारा ए कैसा था ना, पॉजिटिव था, और डी कैसा है, नेगेटिव है. तो दोनों सिचुएशन, दोनों जो टर्म्स हैं वो सेटिस्फाइड हमारे पास करेगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, दोनों जो टर्म्स हैं 36 और 25, इन दोनों टर्म्स का जो सम रहेगा हो सकता है वो 300 हो सकता है. तो सम ऑफ फर्स्ट 36 टर्म्स, ठीक है, या फर्स्ट, या कोई हमारे पास फर्स्ट 36 टर्म्स या सम ऑफ 25 टर्म्स, ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल हो सकता है ना, 300 के इक्वल हो सकता है. तो हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्म्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है. सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एस एन इक्वल 6n प्लस 7n स्क्वायर, देन फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी एंड ऑल्सो फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है. हमें क्या दे दिया ना, एक एपी है उसका सम कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है. ऐसे ही हमें दिया हुआ है यहाँ पे 6n प्लस 7n स्क्वायर. हमें क्या बोला, उस एपी का nth टर्म, दैट मींस जनरल टर्म हमें फाइंड आउट करना है. जैसे जनरल सम दिया हुआ है, जनरल टर्म फाइंड आउट करना है, और उस एपी का 10th टर्म भी फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो यहां देखो सबसे पहली बात, हमारे पास एसएन, एसएन मतलब क्या है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यही है हमारे पास. तो ये हमारा एसएन है ए प्लस, मतलब ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एन, इसी को अपन एसएन कहते हैं, ठीक है. अब यार ए एन से पहले क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे ए एन से पहले कौन सी टर्म होगी ना, ए एन माइनस वन होगी, यही हमारे पास टर्म होगी. अब अगर हम यहां से लेके यहां तक वाली टर्म्स को हटा दें तो इनको वैसे पहले अपन कहेंगे क्या, सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स कह सकती हूं मैं इसको, इस टर्म से लेके इस टर्म के सम को क्या कह सकते हैं ना, सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स कह सकते हैं. तो अगर हमने यहाँ पे क्या किया, एस एन में से एस एन माइनस वन हटा दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए एन मिल जाएगा. वही तो बात, क्या ये पूरा हमें क्या करना है, हटाना है. हटाते कैसे है यार, माइनस करके. तो ये पूरा चीज हमने क्या कर दिया, एस एन में से माइनस कर दिया, तो क्या बच गया, ए एन बच गया. दैट मीन्स अगर हमें एंथ टर्म फाइंड आउट करना है तो हमें ये करना पड़ेगा, सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स, ये हमें करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहां देखते हैं सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स होगा क्या. तो सम ऑफ एन माइनस वन, हमें ऐसे इन दिया हुआ है, तो वहां पे क्या करो ना, जहां जहां भी एन है, एन को कैसे रिप्लेस कर दो, एन माइनस वन से रिप्लेस कर दो. तो सिक्स एन को रिप्लेस किया हमने एन माइनस वन, प्लस सेवन फिर से एन को रिप्लेस किया एन माइनस वन होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा ना, सिक्स एन माइनस सिक्स प्लस सेवन टाइम्स एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, ठीक है. सो सिक्स एन माइनस सिक्स प्लस सेवन स्क्वायर प्लस सेवन माइनस फोर्टीन एन, तो कितना बचा, सेवन एन स्क्वायर
प्लस 6n माइनस 14n माइनस 8n माइनस 6 प्लस 7 प्लस 1. तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, s n माइनस 1 आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड an. हमें an फाइंड आउट करना है और उसके लिए हमें क्या करना है ना, sn माइनस sn माइनस 1. तो अपन करते हैं इसको. तो यहाँ पे sn में से हमें माइनस करना है sn माइनस 1. तो यार sn तो हमें दिया हुआ है 6n प्लस 7n स्क्वायर माइनस दिस. तो ये हमारे पास क्या होगा, 7n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 1. ठीक है, यही होगा. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ना, 6n प्लस 7n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 8n माइनस 1, यही हमें मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया ना, 7n स्क्वायर था, है ना. तो यहाँ पे क्या हुआ, 7n स्क्वायर माइनस 7n स्क्वायर कैंसिल आउट एंड दिस इज 14n माइनस 1. तो ये हमारे पास आया sn माइनस sn माइनस 1. और यही हमारे पास क्या है ना यार, इसी को तो अपन an बोला हुआ है. दैट मीन्स ये हमारे पास क्या आ गया, an आ गया. ठीक है, जनरल टर्म, जनरल टर्म आ गया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड nth टर्म. तो हमें पता है जब जनरल टर्म दिया हुआ है हमें, तो हमें जो भी टर्म फाइंड आउट करना है n की जगह वो पुट कर देंगे. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 10th टर्म. तो हम यहाँ पे n की जगह 10 पुट कर देंगे. तो 8 10 कितना हो जाएगा, 14 × 10 माइनस 1. तो कितना, 140 माइनस 1 दैट इज 139. तो ये यहाँ पे हमारा nth टर्म भी फाइंड आउट हो गया है और 10th टर्म भी फाइंड आउट हो गया. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन ap इज q एंड द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स इज p, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स. ठीक है, एक AP के P टर्म्स के जो सम है वो है Q एंड Q टर्म्स का सम है P. तो हमें चाहिए P प्लस Q टर्म्स का सम. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी डी. ठीक है, ये अपन ने ले लिया. देन sn सम ऑफ n टर्म्स जो हमारे पास होगा वो क्या होगा ना, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये होगा. हमसे क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, तो p टर्म्स का सम दैट मीन्स sp कितना होगा ना, p बाय 2 2a प्लस p माइनस 1 डी, यही होगा. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ p टर्म्स किसके इक्वल है, q के इक्वल है. तो q इज इक्वल p बाय 2 2a प्लस p माइनस 1 डी. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन. फिर हमें नेक्स्ट क्या दिया, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स दैट मीन्स s q. ठीक है, क्या हो जाएगा, q बाय 2 2a प्लस q माइनस 1 d. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन s q इज इक्वल p, सो p इज इक्वल q बाय 2 2a प्लस q माइनस 1 d एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड. ठीक है, दो इक्वेशन हमने यहाँ पे बना ली है. नाउ अब हम क्या कर रहे हैं ना, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, या इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, जैसा आपको करना चाहे. तो चलो फर्स्ट माइनस सेकेंड ही कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड. तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, यार LHS में से LHS माइनस होता है, RHS में से RHS माइनस होता है. तो Q माइनस P, ठीक है, Q माइनस P इज इक्वल
p by 2a plus p minus 1d minus q by 2a plus q minus 1d. ठीक है, ये हमारे पास हो गया. नाउ q माइनस पी या 2 क्या है, दोनों में कॉमन है तो अपन ने 2 कॉमन ले लिया, 1 बाई टू बाहर कॉमन ले लिया. p का मल्टीप्लाई अपन यहां कर रहे हैं, कितना आ जाएगा ना 2ap प्लस p का इसमें करेंगे p स्क्वायर, साथ साथ d का भी करेंगे तो p स्क्वायर d. ठीक है, फिर p का अंदर क्या माइनस पी डी. ठीक है ना, फिर सेम एज इट इज यहां पे कितना हो जाएगा माइनस 2aq माइनस q स्क्वायर d एंड माइनस प्लस q d. ठीक है, ये अपन ने क्या किया यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया. नाउ q माइनस पी इज इक्वल 1 बाय 2 2ap 2aq, तो 2a कॉमन, क्या बचा p माइनस q. ठीक है, फिर उसके बाद p स्क्वायर d q स्क्वायर d, तो यहां से प्लस d कॉमन ले लिया तो क्या बचा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर एज इट इज ये दोनों, तो यहां से मैंने माइनस d कॉमन लिया, क्या हो जाएगा p माइनस q, ये हमारे पास हो जाएगा. तो अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, यहां पे क्या आ जाएगा ना p माइनस q हो जाएगा इज इक्वल हाफ p माइनस क्यू एंड दिस इज p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं p माइनस क्यू p प्लस क्यू कह सकते हैं. तो इसके पास भी p माइनस क्यू है, तो तीनों के पास p माइनस क्यू क्या है कॉमन है, तो p माइनस क्यू कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 2a प्लस d टाइम्स, यहाँ से p माइनस क्यू लिया है, क्या बचाना p प्लस q बचा, यहाँ पे माइनस d बचा. ठीक है, नाउ p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया ना ये 2 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो माइनस 2 इज इक्वल 2a प्लस, यार यहाँ से d कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा p प्लस क्यू माइनस 1d, ये बचा हमारे पास ये p प्लस क्यू साथ में. अब हमें क्या बोला था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है ना p प्लस क्यू टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. तो व्हाट इज सम एस p प्लस क्यू या s ऑफ p प्लस क्यू कितना होगा, ये हमारे पास क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n को कैसे रिप्लेस कर दो, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो इसमें n को कैसे रिप्लेस कर दो p प्लस क्यू से, तो क्या हो जाएगा p प्लस क्यू बाय 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d, यही हो जाएगा जिसमें p प्लस क्यू क्या है साथ में है. इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट यहां पे बोल दें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये देखो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d कितना वैल्यू है इसका माइनस 2a, तो रख दो यार यहां उठा के, कितना हो जाएगा p प्लस क्यू बाय 2 इंटू माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स माइनस टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू, तो यहां से हम कह सकते हैं सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स कितना आया है माइनस टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू, तो ये हमारे पास क्या आ गया सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स. सो नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ap इफ a 5 प्लस a 7 इज इक्वल 167, दैट मीन्स सम ऑफ 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ 7 टर्म्स, और उन दोनों का सम किसके इक्वल है 167 के इक्वल है, एंड सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल 235, देन फाइंड द AP, हमें क्या फाइंड आउट करना है AP फाइंड आउट करना है, एंड S डिनोट्स द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, जो कि मैंने बोला अभी. तो यहां पे देखो सबसे पहले हमें क्या है ना लेट A बी द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड d बी कॉमन डिफरेंस,
एपी, ठीक है, जो हमें दिया हुआ है उस एपी का हमने ए फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लिया एंड डी हमने कॉमन डिफरेंस कंसीडर कर लिया, देन एस एन जो होगा हमारे पास वो कितना होता है एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारे पास एस एन होता है ना। क्या हमें दिया हुआ है सम ऑफ फाइव टर्म्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है ना एस फाइव प्लस एस सेवन कितना है 167। नाउ इट इज एस फाइव दैट मीन्स 5 बाय 2 टू ए प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 4 डी प्लस 7 बाय 2 टू ए प्लस 7 माइनस 1 6 डी इज इक्वल 167। ठीक है, हमने यहां से 2 कॉमन लिया तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 2 डी सेम एज इट इज 7 a प्लस 3 डी इज इक्वल 167। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12a प्लस 31d इज इक्वल 167 फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन आ गया एज इट इज। हमें क्या बोला है ना नेक्स्ट बोला है S10 तो S10 ठीक है कितना है 235। नाउ इट इज S10 S10 इज इक्वल 10 बाय 2 2a प्लस 9d इक्वल 235। तो ये 5 टाइम्स तो 5 इंटू 2 10a प्लस 45d इज इक्वल 235। नाउ दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो जब अपन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जैसे आपको करना है तो हमें a की वैल्यू मिलेगी 1 एंड d मिलेगा 5। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था ap फाइंड आउट करना था तो हमारी जो ap होगी वो ap क्या होगी ना 1, 6, 11 and so on। तो ये हमारे पास क्या बन गई AP बन गई जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, होप सो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आर वीडियोज़।